हेलो, गुड इवनिंग शर्मिष्ठा। सर, आई हैव गिवन माय एग्जाम्स इन जुलाई 21 एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया था, तो मैंने आपकी फास्ट ट्रैक क्लास भी ले ली सर। मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है केस स्टडी रिलेटेड में कि सर, पहले जो छोटी वाली इंस्टीट्यूट की बुक थी उसमें से ये होता था कि हर बार फिक्स एक क्वेश्चन उठ के आता था, एंड इस बार पूरी केस स्टडी डाइजेस्ट है, मैंने करी हुई है, बट मुझे ये पूछा सर फोकस किस बेसिस पे करूँ कि पूरा मतलब क्वेश्चन आ सकता है या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। मतलब क्या मैंने ESPM मॉड्यूल वाला मतलब वो मुझे लगा कि केस स्टडी डाइजेस्ट रिलीज कर दिया था, फिर मैंने वाली बुक पढ़ का मतलब मैंने सेकेंड रीडिंग के बाद उसको पढ़ना छोड़ दिया और सर मेरा 20 नंबर वहाँ चला गया। तो फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, इस बार केस स्टडी को कैसे टैकल करना चाहिए? केस स्टडी किससे आएगा ये तो कोई नहीं जानता है, कौन से चैप्टर से आएगा नहीं आएगा nobody knows। तो आपको करना सारा ही पड़ता है, आपने सेकंड रीडिंग के बाद किसी को छोड़ दिया वो नहीं कर सकते आप। तो नहीं सर, मतलब जैसे पहले जैसे अगर क्वेश्चन ही आना है तो फिर रटने टाइप का मेंटालिटी रखिए, वरना समझ तो लिया ही है सर। नहीं, थोड़ा पॉइंट्स तो याद करना ही पड़ेगा आपको, समझने से खाली नहीं होगा आपका, क्योंकि समझने से आपको याद करना इजी लगेगा, बट एग्जाम का काम में तो पॉइंट्स याद करना पड़ेगा, अगर सेम पॉइंट्स नहीं मिलेगा एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। सर एक और मेरी प्रॉब्लम थी कि जो जुलाई 21 में क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें सेटअप कॉस्ट को उन्होंने पर यूनिट वाइज निकाल के किया था, उसका ड्राइवर चेंज हुआ था, उसके आवर्स चेंज हुए थे सर फ्रॉम 40 आवर्स टू 38 आवर्स। तो मेरे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब ड्राइवर चेंज हो गया तो पूरी कॉस्ट को वापस से नए ड्राइवर के हिसाब से क्यों नहीं निकाला, लाइक सेटअप कॉस्ट अपॉन न्यू आवर्स व्हिच इज 38 आवर्स प्लस 40 आवर्स ऑफ द अदर। वो अजम्पशन है एक्चुअली क्वेश्चन में कि नया प्रोडक्ट के लिए रेट वही रहेगा, क्वेश्चन में अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो सर मेरी ऐसी मतलब ऐसी छोटी छोटी जगह गलती हुई है जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको कैसे दूर करूँ? देखो, ये अगर गलती हुआ तो इसमें आपका दोष नहीं है, कुछ कुछ में कुछ उपाय नहीं होता, मतलब लक भी इसी को बोलते हैं एग्जाम में कि आपको क्या चीज़ उस समय क्लिक की, तो जो चीज़ किया हुआ नहीं है उसमें जो क्लिक किया उसमें कुछ करने का नहीं है। अब आपका मुझे जो आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि आपका कहीं कहीं कुछ कुछ है ना छूटा हुआ है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सर एक्चुअली मैंने क्लासेस बहुत पहले ली थी, तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की, उन्हीं टीचर के नोट्स से और मतलब यूट्यूब वीडियो, आपके कई सारे वीडियो देखे थ्योरी के भी और केस स्टडी डाइजेस्ट के भी। फिर मुझे लगा, मैंने पेपर तो दिए, मुझे आई वाज थिंकिंग आई एम प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैंने पहले पुराने सर के भी सारे ओल्ड क्वेश्चन लगाए थे, फिर इंस्टीट्यूट के जितने नए क्वेश्चन और जो भी नया RTKMG की सब लगाया था, उसके बाद आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। बट जब मैंने पेपर का अपना रिजल्ट देखा तो मुझे लगा शायद कहीं वीक हूँ, तो मैंने आपकी क्लासेस परचेज करी, उसके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो मैंने लगाए हुए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे गैप को ब्रिज करूँ। गुड क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है। तो आप जब क्लासेस कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या कुछ डिफरेंस लग रहा है कि क्लास करके आपको लग रहा है कि कुछ सुन के पहले अंडरस्टैंडिंग फिलअप हो रहा है, एग्जाम का अप्रोच कैच अप कर पा रहे हो आप? 100% को लर्न किए थे, आई थिंक वो मेरे को बेनिफिट हुआ जब आपने समझाया क्या चीज, बट एग्जाम में आया था उसको। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलिए। मैंने क्लासेस मैंने पहले देखी। हाँ हेलो सर, आ रही आवाज? हाँ हाँ सर, मैंने आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लासेस सबसे पहले देखी, तो उसको देख के मतलब मैंने पहले फॉर्मूले लर्न किए थे, मेरे को थोड़ा समझ में आ गया हाँ इस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। बाकी जो बाकी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं लाइक अब जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किए थे आप, तो मैंने जब पढ़ाया था अभी फास्ट ट्रैक में, उसमें मैंने आपको कुछ कुछ एनालिसिस लिखवाया था जी, आप उस एनालिसिस पे ध्यान दिए? जी सर। और पहले भी एनालिसिस पे ध्यान देते थे? हाँ सर, मैंने सर एक्चुअली मुझे थ्योरी में ज़्यादा नंबर मिले, मैंने हर क्वेश्चन में हर चैप्टर वाइज बना लिया कि आंसर में लिखना किस टाइप से है, मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं। वेरी गुड,
तो वही चीज है कि आपका पहला चीज होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दूसरा चीज होता है कि आपका जो आंसर है उसमें जो एनालिसिस लिखना है वो आप लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, ये सेकेंड चीज है। और थर्ड चीज है कि आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, तीन चीज में काम होता है और कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं सबका पढ़ना है, कोई भी हल्का नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी सारा आना चाहिए तो और केस स्टडीज भी जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस उस क्वेश्चन में भी जो जो जी पॉइंट्स वो लोग बता रहे हैं वो पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का भी पॉइंट्स याद होना ठीक है चाहिए, सर। तो वो याद नहीं होगा तो आपका काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आपने जो वो बना रखा है चैप्टर वाइज हर एक का कि कैसे लिखना है उसका आप एक बार मेरे साथ शेयर कर जी दीजिएगा, एसजीसी ठीक में है मेल कर दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा तो मैं देख के बता दूंगा कि कहीं जी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सर। वो तो जैसे आंसर लिखा है हर क्वेश्चन में, मतलब हर चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 4 ले लें तो उसमें एक ही आंसर को 4 बार रिपीट कर, जैसे मटेरियल का हुआ तो उस वही सिमिलर पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो क्वेश्चन में फर्स्ट दी हुई है उससे रिलेटेड दिख रहे हैं सर। इस टाइप से बना रखा है मैंने, और वही चैप्टर दिखाना 11 में मुझे, भी जैसे मटेरियल। मुझे आप ठीक है दिखाइएगा क्या बना रखे हैं। और आई एक्चुअली फिर वो जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स आपको तो याद होना चाहिए, और कंसेप्ट थोड़ा वीक है तो कंसेप्ट को इम्प्रूव कर लेना है और 100% तो करना है मुझे आप। लग रहा है कहीं सर कहीं हाँ प्रैक्टिकल में तो गैप नहीं, मतलब मैं अब मेरे पास और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का टाइम भी नहीं है, तो वो हाँ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे मैं छोटी छोटी चीजों में फंस गई थी एग्जाम में तो जैसे वो मेरी गलती ना करो आपने अपना सर। पेपर जैसे मैंने मंगाया आपको है, बताया मुझे लगा सेटअप कॉस्ट को पूरे उसमें डिवाइड होना चाहिए। हाँ सर मेरे पास है, आ गया। ओके तो जो भी है आप उसमें से अपनी कम से कम 10-15 गलतियां निकाल दीजिए कि कहाँ कहाँ रॉन्ग हुआ था, उसको नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, और वो 10-15 ठीक गलतियां है हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, आप वो भी मुझे भेज दीजिएगा सर। कि यहाँ यहाँ मेरा एरर हुआ तो क्यों हुआ। एक होता है कि इसलिए हुआ कि मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था, और एक होता है कि मेरा सिली मिस्टेक हो गया, दो चीज हो सकता है। सिली मिस्टेक हो गया तो कोई उपाय नहीं है, वो तो आप प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हैं। और एक होता है कि कॉन्सेप्ट नया लगा मेरे को, पता नहीं ये आता था कि नहीं आता था, एग्जाम हॉल में क्लिक नहीं किया कुछ, या जो क्लिक किया वो गलत हो गया, ऐसा कुछ हो गया। सर वो जो सेकंड लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन में था जिसमें 10% बॉटल की कॉस्ट थी 10 रुपीज़ की, तो मुझे हाँ क्लिक नहीं किया कि वो एम्प्टी बॉटल की कॉस्ट थी और मैंने उसको भी गलत कर दिया। तो और जब मैंने किसी दूसरे बच्चे से बात की तो जिन्होंने आपकी पूरी क्लास ले रखी थी उन्होंने बताया सर आपने ओरिजिनल क्लास में सेकंड क्वेश्चन करा रखा था, तो मुझे लगा कहाँ गलती और होते। तो कोई सम्स में कुछ हो सकता है ना, आप इतना पहले क्लास लिए तो सम्स पे उतना ध्यान नहीं गया होगा, थ्योरी थ्योरी पे ध्यान ज्यादा चला गया, यही हो सकता है आपका। हाँ सर थोड़ा सा मतलब क्लास सम्स तो को बहुत भी, पहले हाँ ही सम्स को एक बार प्रैक्टिस के एंगल से करो, ना कि सिर्फ आप खाली थ्योरी उसका देखो या फॉर्मेट देखो, आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं किया होगा तब ये सब मिस्टेक छोटा छोटा होता है, तो थोड़ा सा हाथ से लिख के सम्स को एक बार सॉल्व कर लो आप। मेन हाँ हमेशा हमेशा हाथ लिया है लिमिटेशन इस कि मैं वही जो एक चीज आपकी को आवाज अगर क्लियर नहीं आ करते रही तो है। देखती। हेलो हाँ सर आई एम सॉरी फॉर नेट का इशू, नेटवर्क इशू, मेरा वाईफाई खत्म हुआ है सर। मेरे को वही क्वेश्चन पे फोकस करना है, और जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मुझे पुराने क्वेश्चन फोकस करना पड़ेगा या तो आप वर्कबुक पे दे रखते हैं। पुराने से ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस बार क्वेश्चन नंबर 2 आया था तो वो एक क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा, जी बट बाकी तो मान लीजिए जो क्वेश्चन है सारे के सारे वो नए से ही ज्यादा आएंगे ना, तो पुराना कंसेप्चुअली आप जो जी कर सकेंगे कर लीजिएगा, अभी नया पे फोकस करिए, पुराना पे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू।